हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। आज हम टॉपिक करने वाले हैं गाइस कार्निवल का एसके का सारा का ब्राजीलियन प्रोटीन विथ एसओएस ट्रीटमेंट के साथ। गाइस इससे पहले हम क्लाइंट का जो है अच्छे से हेड वॉश कर लेंगे। और गाइस शैम्पू हमने सेम वैसे करना जैसे मैंने पिछली बार एसके की वीडियो डाली थी, लेकिन वो हमारा सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट था। आज हम एसओएस यानी कि इसके साथ जो सहारा का एसओएस फ्लैक्स ट्रीटमेंट है उसके साथ ये ट्रीटमेंट करेगा। मैं बता दूँ एसओएस क्या होता है गाइस, ये एक फ्लैक्स ट्रीटमेंट है। जैसे कि आपने ओलाप्लेक्स वाला प्लेक्स देखा होगा उसी तरीके की फ्लैक्स ट्रीटमेंट है। बालों की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ के लिए होता है और बोन रीजनरेटर करता है यानी बोन को रीजनरेट करता है और बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। गाइस 80% हम अच्छे से हेयर को ड्राई कर लेंगे इस ट्रीटमेंट के लिए। और आप बिफोर देख सकते हैं गाइस कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिजनेस है बालों में और नीचे कलर टेटेड हेयर है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बालों में टेंगल्स भी है। गाइस ड्रायर के बाद गाइस हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट। मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखा देता हूँ एसके का कार्निवल ब्राजीलियन प्रोटीन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और 0% फॉर्मेलिटाइड है गाइस। अगर गाइस आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे फ्लैश दे दूंगा, नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ केराटिन, किसी भी तरीके की केराटिन चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस प्रोडक्ट को निकाल लेंगे हम। और गाइस प्रोडक्ट ज़्यादा भी लगता नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम प्रोडक्ट लगता है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो सेम केराटिन की तरह डैप डैप प्रोसेस है और केराटिन से भी ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है। और प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। ये देखिए किस तरीके से मैं कितना प्रोडक्ट निकाला और लेंथ आपको पता ही है, डेंसिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा थिक बेस में है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और एप्लीकेशन का स्टार्ट करेंगे, देखिए हम नैपेरी से गाइड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो। फाइन फाइन सेक्शन लेके आपको एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन टेक्निक आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये डैप डैप करके हमें लगानी होती है सेम केराटिन की तरह। उसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं, एप्लीकेशन जो हम करते हैं वो गाइस हम नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं, जैसे केराटिन की एप्लीकेशन में हम लोग जाते हैं। ये देखिए जैसे स्मूथनिंग हम ऊपर से नीचे के साइड लगा के सीधा ऊपर से पहले इमल्सीफाई करते हैं, पहले इसमें एंड्स हम इमल्सीफाई करते हैं। इसका रीज़न गाइस ये होता है क्योंकि जो हमारे हेयर जो डैमेज होते हैं ना, हमेशा हमारे हेयर एंड से डैमेज हुआ होते हैं, वो नीचे ही इनके बालों पे एंड्स पे कलर होता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ से इमल्सीफाई करते हुए ऊपर जाना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा इमल्सीफाई हमें एंड्स पे करना होता है और प्रोडक्ट ऊपर से ज़्यादा थोड़ा एंड्स पे ज़्यादा लगाना होता है। गाइस ये देखिए अच्छे से इमल्सीफाई कर लेंगे पूरे सेक्शन पे। एप्लीकेशन देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, एप्लीकेशन नहीं देखते। लेकिन आपको हर प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उसकी कैसे यूज़ करते हैं, उसकी इमल्सीफिकेशन क्या है, सारा आपको नॉलेज पता होना चाहिए। तो वीडियो को गाइस एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी नहीं करता मैं, स्किप कर करके बता देता हूँ। देखो 3-4 स्टैंड पर मैंने आपको बैक की बताई और फ्रंट की भी आपको मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको फ्रंट पे एप्लीकेशन करनी है। और इसके साथ गाइस हम फ्लैक्स कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। इसका जो फ्लैक्स का साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट इसका रिज़ल्ट है। और रिज़ल्ट भी मैं इसका जो वॉश है ना गाइस इंस्टेंट वॉश है, मतलब सेम डे वॉश है। आज मैं आपको ये नहीं कि प्रेसिंग करके, मतलब केराटिन में जैसे हम प्रेसिंग करते हैं उसका रिजल्ट है, आप जो आपको हेयर को वॉश करके और जस्ट नॉर्मल ड्राई करके ही दिखाऊंगा, नॉर्मल ड्राई करके ही दिखाएंगे कि कितने अच्छे बालों में शाइनिंग और कितना परसेंट आपको स्ट्रेट मिल चुका है। देखिए एंड्स पे अच्छे से इमल्सीफाई कर रहे हैं पहले एंड्स, क्योंकि अच्छे से हमें रिपेयर करने का इस, तो अच्छे से उस पर आप थोड़ा सा एंड्स को टारगेट करते हुए हेयर को इमल्सीफाई करें। और उसकी एप्लीकेशन जैसे मैंने बताई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मूथली हो रही है गाइस। और बाकी जैसे आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन भी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस ये देखिए आपको जितना हमने प्रोडक्ट निकाला था ना वही प्रोडक्ट हमारा पूरे हेयर पे हो चुका है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा काम लगता है प्रोडक्ट, क्योंकि गाइस का जो प्रोडक्ट है वो खिंचता ज़्यादा है। जैसे कि डैब डैब करते रहो आप लोग, वो जैसे ऊपर का डैब नीचे का डैब मिक्स होके मतलब स्मूथ एक प्रोटेक्शन लेयर्स बनाएगा और जिससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा
और कॉम भी आपके अच्छे से फिसलती है। ये देखिए एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे से आपको कॉम से पेनिट्रेट करना है, अच्छे से मल्सिफाई करना है, देन आपको बालों को अच्छे से टाई कर देना है और उसके ऊपर हम लगाएंगे गाइस क्लिंग रैप। टाई करने के बाद, अच्छे से कॉम करने के बाद क्लिंग रैप लगाएंगे हम, ताकि बालों में अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेट हो सके। और इस प्रोडक्ट को गाइस हम 45 to 55 मिनट्स हेयर में लगा के रख देंगे। और आगे का प्रोसेस भी हम देखते हैं कि आगे हम प्रोसेस में क्या क्या करते हैं, प्लेक्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अब पहले क्लिंग रैप लगा देते हैं गाइस हम लोग, और आफ्टर 45 मिनट्स बाद गाइस हमने स्टार्ट कर लेना है ड्रायर। ये हमने स्टार्ट करना है 45 मिनट्स बाद, और अच्छे से हेयर को ड्राई करना है। और आप इसमें, मैं आपको बता दूँ, ये ब्लो आउट ट्रीटमेंट होते हैं, इसमें ब्लो ड्रायर नहीं होता। इसमें जस्ट आपको सुखाना है और सीधा आपको प्रेसिंग स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए जैसे हमने सुखाया और हमने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी, और इसकी जो प्रेसिंग है गाइस काफ़ी ज़्यादा फाइन फाइन सेक्शन लेके करनी होती है, तभी आपको जो रिज़ल्ट है देखने को मिल पाएगा। बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको देखना है तो आपको फाइन फाइन सेक्शन लेके प्रेसिंग करनी होगी। और एक स्टैंड पे देखिए कितनी बार हम प्रेसिंग को बार बार अगेन एंड अगेन बार बार कर रहे हैं एक ही स्टैंड को। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे सैलून से रिलेटेड कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस जैसे हम पेसिंग कर रहे हैं, इसका जो स्मोक है कैरेटिंग की तरह इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और बिल्कुल ना के बराबर टिंट सा, अगर गलती से ज़्यादा चले गया वरना बिल्कुल भी कैरेटिंग की तरह आंखों में नहीं लगेगा, ना इचिंग करेगा, ना नोज़ में लगेगा। तो गाइस प्रेसिंग भी हमारी ऑलमोस्ट होने वाली की दो जने लग रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट भी कर दूंगा। और गाइस प्रेसिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ये आगे के जो बेबी है सही, इसको भी अच्छे से नीट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो स्ट्रेट है आपको अच्छा खासा स्ट्रेट मिल जाता है। अगर इन बेबी हेयर्स पर प्रेसिंग ना हुई तो फिर वो अलग से ही आपको फाइनल रिजल्ट में दिखे। और गाइस प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम करने वाले हैं 10 मिनट का वेट, क्योंकि अभी अभी प्रेसिंग करी है, बालों में थोड़ी सी जो है वो हीट हैगी अभी, तो बालों को हम ठंडा होने देंगे। देन 10 मिनट वेट करने के बाद गाइस हम करने वाले हैं रिंस, देन हम लगाएंगे SOS। ये देखिए गाइस ये है SOS प्लेक्स ट्रीटमेंट, ये जेल बेस में होता है, इस तरीके से निकला जाता है, और ये पानी में इसका मतलब डाइल्यूट करके नहीं मिक्स करते जैसे और फ्लेक्स यूज़ करते हैं, ये एक जेल बेस में ये सिंगल यूज़ होता है। और इसका स्टेप 2 अलग है, इसके बाद हम लगाएंगे SOS। स्टेप 1 लगाने की टाइमिंग है आपकी 20 मिनट्स, 20 मिनट तक आपको इसको बालों में रखना है, अच्छे से हेयर पर आपको इमल्सिफाई करना है, बाल काफ़ी ज़्यादा आपके जो है स्मूथ हो जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट हो जाएगा। और गाइस इसका जो स्टेप 2 है वो देखिए SK का, ये स्टेप 2 है, यानी कि जैसे मास्क की तरह जो आता है आपका प्लेक्स ट्रीटमेंट में, ये सेम वैसा स्टेप 2 है, काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में लगता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो मतलब स्मूथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है और बालों को पूरा सील्ड कर देता है। और 20 मिनट इसको आपको हेयर पर रखना है। और आइए गाइस फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं। ये गाइस हमारा फाइनल रिजल्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट मिला है, जस्ट ड्राई कराए। अगर आपको भी इस तरीके का रिजल्ट देखना है तो गाइस आप इसे परचेस कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, गाइस आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आई है और रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आया है, और जो प्री लाइट वाला हेयर था वो तो गाइस अल्टीमेट रिपेयर हुआ है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।